आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट के बारे में, जो आपको 15 से 20% एनुअली रिटर्न दे सकता है। तो ये स्मॉल केस क्या है, इसके पहले हम ये जाने कि भाई इन्वेस्टमेंट जो होता है स्टॉक मार्केट में वो किस तरह से होता है। तो एक इन्वेस्टमेंट जो है वो है कि लोग स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं और वो ट्रेडिंग करते हैं। मतलब एक स्टॉक आपने लिया 100 रुपये का, उसका 102 कीमत हो गई, आपने बेच दिया, 2 रुपये कमा लिया। और ऐसे 1000 रुपये समझो आपने कमा लिए, 1000 स्टॉक ले लिए, 2-2 रुपये मिल रहे, 2000 रुपये कमा लिए, फ्री हो गए। मतलब लोग ट्रेडिंग करते हैं, रोज़ करेंगे या वीकली करेंगे या मंथली करेंगे। तो इसमें शेयर की लेवा बेची होती, उसमें एफ एंड ओ भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो वो वीकली है, सेटलमेंट मंथली है, और उसमें भी लोग पैसा कमाते हैं, मगर ये सट्टे के बराबरी का है। इसमें मैं ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद करता नहीं हूँ और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप करो। फिर दूसरा तरीका है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लंबे समय तक। मतलब आपको समझता नहीं है तो आपने ब्लू चिप खरीदना है, और ब्लू चिप का मतलब ये होता है कि मालूम है कि जो सालों से कंपनी चल रही है, बहुत बड़ा मार्केट में उसका शेयर है। मार्केट में आमतौर पर आप देखते हैं कि भाई ये कंपनियों के माल बिक रहे हैं। जैसा अभी फॉर एग्जांपल मारुति कार है, मालूम है कि मारुति कार इतनी सारी घूम रही है गाँव में, तो मारुति का शेयर तो अच्छा ही होगा। या कोलगेट से हम कितने सालों से दांत ब्रश कर रहे हैं, कोलगेट पेस्ट, कोलगेट का शेयर। या डॉक्टर रेड्डी के हम दवाइयाँ वापरते हैं, तो डॉक्टर रेड्डी, या फिर ग्लैक्सो, तो ये शेयर है। या फिर हम जो माल खरीदते हैं तो वो हिंदुस्तान लीवर से, साबुन है, धोने का, कपड़े का, फिर बिस्किट्स, मतलब जो भी है खाने पीने के, जो भी सब हिंदुस्तान लीवर। तो ऐसे शेयर खरीदना है जो एकदम ब्लू चिप है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मिड कैप और छोटे स्मॉल कैप। तीसरे तो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपने जाना नहीं है, और वो शेयर बड़े शेयर खरीदो और 5 साल के लिए खरीदो। शेयर में उतना ही पैसा डालना है जो आपको 5 साल में लगने वाला नहीं है, क्योंकि जो लगने वाला पैसा है वो आपको बैंक में रखना है या वो गोल्ड में रखने का है लगने वाला, नहीं तो फिर बैंक में रखा तो बेस्ट है, क्योंकि गोल्ड भी नीचे आ सकता है। और जब ये स्टॉक्स में आप पैसे डालते हो तो आपको 12 से 15% का रिटर्न आराम से मिल जाता है। वैसे ही आपको स्टॉक में समझता नहीं तो आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, और म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपसे पैसे लेगा और वो अलग अलग स्टॉक्स में डाल देगा। तो म्यूचुअल फंड में आपको बहुत सारे कंपनी जो है उसका एक्सपोजर मिलता है। आपने 1000 रुपये भी म्यूचुअल फंड में डाल दिए तो आपको 1000 रुपये में हो सकता है कि आपने 15 कंपनियों के शेयर खरीदे होंगे, छोटे छोटे हिस्सा। तो ये है म्यूचुअल फंड का। और तीसरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आज बात करने वाला हूँ, वो है स्मॉल केस। तो स्मॉल केस क्या होता है, स्मॉल केस जो होता है कि कुछ लोग, 1-2-3 लोग इकट्ठा आते हैं और वो आइडियाज़ के ऊपर या थीम्स के ऊपर काम करते हैं। जैसा है कि एक है इन्वेस्टिंग प्रोसेस जो है, नंबर एक, मतलब उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो आइडियाज़ में वो लगाते हैं और माल खरीदते हैं, मतलब कंपनीज के शेयर खरीदेंगे। जैसे ही अपने को मालूम है अभी कि रूरल सेक्टर जो है, देहाती जो है, मतलब गांव पे जो है वो हमारी सरकार जो उनको बढ़ावा देना चाहती है, तो जो भी रूरल सेक्टर में कंपनीज काम कर रही है तो वो कंपनी को यदि बढ़ावा मिलता है तो कंपनी के भाव बढ़ेंगे, कंपनी का अर्निंग मिलेगा, आपको भी अर्निंग मिलेगा, तो वो कंपनी को शेयर खरीदना। और उसका समझो नाम है राइजिंग रूरल डिमांड। तो राइजिंग रूरल डिमांड ये स्मॉल केस है, उसका एक बास्केट है, वो बास्केट में बहुत सारे शेयर्स है। और आप राइजिंग रूरल डिमांड में जब पैसे देते हो या डालते हो तो वो आपके लिए शेयर खरीदेगा। दूसरा है ग्रेट इंडिया मिडिल क्लास। ये क्या है कि मिडिल क्लास जो आज आदमी जो है वो मिडिल क्लास वाला आदमी आजकल बहुत पैसा खर्चा करता है, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है बहुत बढ़ी हुई है, खर्चा करते हैं लोग। तो मिडिल क्लास आदमी कहाँ खर्चा करता है, कपड़े पे खर्चा करेगा, व्हीकल पे खर्चा करेगा, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल्स, टीवी। तो ये कंपनीज जो है वो कंपनी में, वो स्मॉल केस का जो पोर्टफोलियो है वो कंपनी का रहेगा, वो बास्केट में वो कंपनी के शेयर रहेंगे। तो ये जो है ग्रेट इंडिया मिडिल क्लास। तो इसमें ट्रैवल भी लोग करते हैं तो ट्रैवल कंपनी में आएंगे, पेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारे ऐसे लिस्ट में बता जाऊंगा, तो इतनी सारी लिस्ट है, मैं 2 बताए। तीसरा बताता हूँ, ये हाउस ऑफ टाटा, उसमें टाटा के जो शेयर है वही रहेंगे, और आप कुछ अमाउंट डालते हैं तो वो स्मॉल केस जो है, मतलब वो जो बास्केट है, सिर्फ टाटा के शेयर खरीदेगा।
तो इसका पहला फंडा क्या है? पहला फंडा है कि थीम या आइडियाज के ऊपर ये काम करता है स्मॉल केस, कोई तो भी थीम लेके। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, इसलिए म्यूचुअल फंड से वो अलग है। नंबर दो, रिसर्च डन बाय एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट लोग रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके निकालते हैं माहिती, उसका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, अभी डिमांड क्या होने वाली है, आने वाले 5 साल में क्या होने वाला है, ऐसा रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके वो पूरी इन्फॉर्मेशन जमा करते हैं और फिर बाद में शेयर खरीदते, जो मुझे पॉसिबल नहीं, आपको पॉसिबल नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं। ये दूसरा इसका आस्पेक्ट है। तीसरा जो आस्पेक्ट है वो है कि 100% कंट्रोल और ओनरशिप अपनी है। अपन वो राइजिंग रूरल डिमांड कंपनी को पैसा नहीं दे रहे। मेरा ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट है, वो डीमैट अकाउंट में मैंने परमिशन दी है कि वो डीमैट अकाउंट से आप मेरे लिए ये शेयर खरीद सकते हैं आपके। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन एनर्जी में डाला हुआ है, वो स्मॉल केस है, तो ग्रीन एनर्जी को मैंने परमिशन दी है कि भाई आप शेयर खरीदो और वो शेयर खरीद के मेरे ज़ीरोधा में डालो। ज़ीरोधा में पूरा कंट्रोल मेरा है, मुझे उनके पास में जाना नहीं पड़ता है। तो कंपनी डूब गई, कंपनी भाग गई, उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि शेयर मेरे जो है वो डीमैट अकाउंट में ज़ीरोधा में और सिक्योर्ड है। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना होगा, एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा। फिर डीमैट अकाउंट खोल के ये जो स्मॉल केस का ऐप है वो डाउनलोड करना है। स्मॉल केस के ऐप में आपको लॉग इन करना है, आपकी पूरी जानकारी देना है और वो स्मॉल केस का जो ऐप है वो आपका जो डीमैट अकाउंट है, मेरा जैसा ज़ीरोधा का है, उसमें कनेक्ट कर देना है। बहुत ही इजी, सिंपल, आसान प्रोसीजर है। फिर आपने क्या करना है कि ज़ीरोधा में आपने पैसे डालने के, ज़ीरोधा में पैसे डाल दिए और आपने उनको परमिशन दिया राइजिंग रूरल डिमांड को या जो ग्रेट इंडिया मिडिल क्लास है या ग्रीन है, उनको परमिशन दिया कि आप ये पैसा उठाओ और मेरे लिए शेयर खरीदो, तो वो उठा लेंगे, शेयर खरीद लेंगे। इसमें एडवांटेज ये है कि आप बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसा अभी आप ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है और एक स्मॉल बास्केट ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, इसमें आप कम से कम, मतलब मिनिमम टू मिनिमम वो लेते हैं, वो 4,213 रुपये ले रहे। मतलब यदि आपके पास में 4,213 रुपये है तो आप कम से कम 15 कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, और आपको 15 कंपनियों का एडवांटेज मिल जाता है। आप इसमें वन टाइम डाल सकते हैं पैसा, या फिर आप SIP कर सकते हैं, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, कि हर महीने में अपना तनख्वाह हो गया कि हर महीने में 2 तारीख को 3 तारीख को पैसा डाल। इसमें एक ये है कि आपको स्मॉल केस में बहुत कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि ऑल वेदर इन्वेस्टिंग जो है, ये एक बास्केट है, अच्छी बास्केट है, अच्छा रिटर्न है, फ्री एक्सेस है, इसमें पैसा लगता नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। इसमें दो तरह के हैं, एक तो पैसा लगता है और कुछ है कि जिसमें सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है। आप इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसा ऑल वेदर इन्वेस्टिंग है, ये बास्केट है, इसमें आप वन टाइम डालो, फ्री है, पैसा लगता नहीं है। कुछ स्मॉल केसेस जो है वो पेड है, उसमें आपको पैसा देना पड़ता है, 500-600 रुपये 6 महीने का या 2,000 रुपये 6 महीने का ऐसा लगता है पैसा, ताकि वो रिसर्च जो करते हैं हाई लेवल का उसके पैसे लेते हो। तो आप एक तो वन टाइम डाल दो, इन्वेस्टमेंट करो वन टाइम, या फिर SIP करो, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। हर महीने में आप 1-2 तारीख को पैसे डाल रहे, हर महीने पैसे डाल रहे, ग्रेजुअली वो बढ़ते बढ़ते जा रहे, कंपाउंडिंग होते जा रहा है। इसका जो आस्पेक्ट है थर्ड, वो है रीबैलेंसिंग। मतलब वो क्या करते हैं कि 2-3 महीने में एक बार आपको बोलते हैं कि भाई ये 2 शेयर बेचना पड़ता है, 2 शेयर खरीदना पड़ता है, ये 2 शेयर में प्रॉफिट हो गया, या 2 शेयर अभी आगे बढ़ नहीं रहे, ये कंपनी ठीक काम नहीं कर रही है, चलो लॉस है, बुक करो लॉस, निकल जाओ, ये 2 नए खरीदो, ऐसे वो आपको रीबैलेंसिंग के लिए बोलते हैं। इसके चार्जेस बहुत कम है, इसमें 0.1% से लेके 0.45 तक चार्जेस लगते हैं, अलग अलग, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा, फिर आपको स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, डीमैट चार्जेस है, जैसे अलग 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 चार्जेस है, उसमें मैं जाऊंगा नहीं, मगर आपको इसमें आपको काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलता है। ये जो है ऑल वेदर इन्वेस्टिंग, ये विंडमिल कंपनी है, विंडमिल कैपिटल इसका है। तो ऐसे एक एक कंपनी है कि जिनके 5, 10, 15, 20, 25, 50 स्मॉल केसेस है,
उसमें जो ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं वो थोड़ा सा देखो और उसमें आपका पैसा डालो। 4213 मतलब कुछ भी नहीं है, एक बार डाल दो, बार बार डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना जरूर है कि स्मॉल केस इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, 5 से 10 साल तक का हॉरिजॉन आपने रखना चाहिए, क्योंकि 5 से 10 साल मुझे वहाँ रुकना है। आप देखेंगे कि आज मैंने इन्वेस्ट किया, 15 दिन बाद में क्या हो गया, 1 महीने बाद में क्या हो गया, हो सकता है कि लॉस है, हो सकता है कि माइनस है, मगर आप 10 साल का हॉरिजॉन रखेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा दिखेगा। आपने क्या करना चाहिए, यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 30% आप डायरेक्ट स्टॉक्स में खरीदो और 70% आप स्मॉल केस में डाल सकते हैं, क्योंकि रिटर्न स्मॉल केस में बहुत ज़्यादा है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, ताकि लोग अपना अपना इन्वेस्टमेंट स्मॉल केसेस में करें और ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। ये कंट्रोल आपके पास में है, डरने की बात नहीं है, और जो अच्छे नोन जाने माने स्मॉल केसेस है उसमें ही आपको इन्वेस्ट करना है, इतना पक्का। थैंक यू वेरी मच।